एक ऐसा विलेज जो दो देशों में आता है, इंडिया और नेपाल। और सिर्फ ऐसा एक ही विलेज नहीं है, बल्कि ऐसे कई खूबसूरत विलेजेस हैं जो इस जगह पर इंडिया और नेपाल के बीच में बसे हुए हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से बस 25 किलोमीटर दूर ये जगह है मानेभंजन। 6,300 फीट की हाइट पर लोकेटेड मानेभंजन में करीब 500 घर बसे हुए हैं, जिसमें से कुछ नेपाल में हैं और कुछ इंडिया में। तो अभी मैं एक ऐसे विलेज पे हूँ जो आधा तो नेपाल में है और आधा इंडिया में है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसका जो ये पूरा पतला सा रोड जा रहा है इस रास्ते से, इससे इधर इधर जितना भी पार्ट है वो नेपाल के अंदर आता है, और जो इतना इधर का पार्ट है, जो ये सारा पार्ट है, वो आता है इंडिया के अंदर। जो नेशनल बाउंड्रीज है, जो बॉर्डर है, वो फेंसलेस है यहाँ पे, और आप इधर से उधर और इधर से इधर जा सकते हैं आराम से। एक कदम रखा तो इंडिया में, एक कदम रखा तो नेपाल में, आराम से ऐसे घूम सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूनिक विलेज है, मिक्स ऑफ कल्चर और ये सब पूरा ऐसा है। यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग लगा हुआ दिख जाएगा, ये सामने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ घरों में ऐसे एक दो में नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। ये कितनी यूनिक सी बात है ना, ऐसे दो कंट्री के बीच में रहना कैसा होता होगा, कैसे दो देश के लोग साथ में रहते होंगे, क्या कल्चर है, और भी कई सवाल मेरे मन में थे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। तो इंडिया में तो हम रोज घूमते ही रहते हैं, तो मैं पहले नेपाल विलेज में आया, नेपाल साइड में आया कि मैं नेपाल देखते हैं नेपाल के गांव कैसे हैं। नमस्ते। इस जगह को यहाँ रहने वाले लोगों से बेहतर तो कौन ही जानता है, इसलिए मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात की। अच्छा, ऐसे नेपाल में कौन सा वाला एरिया है वाला? तो मानेभंजन बोलता है। मानेभंजन ही बोलते हैं, एक ही नाम है। तो इलाम क्या चीज है वो? इलाम लिखा, इलाम ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। इलाम डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, क्योंकि मानेभंजन तो वेस्ट बंगाल में, फिर अगर उस तरह से देखा जाए इंडिया की तरफ से वो बंगाल का, इलाम का, आप लोगों का इलाम है। तो आप लोग भी इधर से उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं आराम से? अच्छा अच्छा, तो आपका जैसे अब एक ही गांव है मानेभंजन, तो पोस्ट ऑफिस नेपाल का है इंडिया का, कैसे होता है फिर पोस्ट ऑफिस का? नेपाल का भी है, इंडिया का भी है। पोस्ट ऑफिस दो है मतलब? पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन तो यही है। अच्छा अच्छा, ये पुलिस स्टेशन है। अच्छा, पुलिस स्टेशन भी दो है। अच्छा अच्छा, इंडिया का पुलिस पोस्ट है, पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, स्टेशन नहीं है, पोस्ट है। अच्छा 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 अच्छा, ये सेम ही गांव मतलब दो अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। एक और अलग चीज भी देखी मैंने, इनका ये दुकानों को बंद करने का तरीका। नमस्ते जी, ये आपकी दुकान का शटर है? शटर ऐसे बंद करते हैं आप दुकान अपनी? अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह भी है क्या मानेभंजन में? कुछ नीचे ग्राउंड पे, ग्राउंड पे है। तो आप जैसे आप तो नेपाल वाले में रहते ना, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इधर इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया स्कूल में पढ़ते हैं? इंडिया के स्कूल में? तो नेपाल का स्कूल नहीं है इधर? दो तीन किलोमीटर उधर नीचे, दो तीन किलोमीटर उधर है नीचे, तो उधर नहीं जाते? नहीं, सरकारी स्कूल है वो, मतलब गवर्नमेंट। ये वाला भी गवर्नमेंट स्कूल है? अच्छा अच्छा, प्राइवेट भी है, एक है प्राइवेट स्कूल भी है, वो भी इंडिया की साइड है? वो भी इंडिया की। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे नेपाल में, आप इंडिया का स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ के लोगों से बात करके इतना तो समझ आ गया कि ये सच में एक फ्रेंडली बॉर्डर ही है, पर सिर्फ इस विलेज का दो देशों में होना ही इस जगह को यूनिक नहीं बनाता, बल्कि यहाँ की एक और खास बात भी है, यहाँ पर चलने वाली टैक्सी। यहाँ पर टैक्सी में चलती है लैंड रोवर। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ऐसी 40 लैंड रोवर्स हैं जो यहाँ पर टैक्सी में चलती हैं। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो लैंड रोवर्स ब्रिटिश चलाया करते थे, वही यहाँ पर आज टैक्सी में चलती हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और ऐसी विंटेज लैंड रोवर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही हैं।
इसी वजह से मानेभंजन को लैंड ऑफ लैंड रोवर्स भी कहा जाता है। ये टैक्सीज मानेभंजन से ले जाती है 12,000 फीट की हाइट पर बसे संदकफू तक, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है। 32 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता इंडिया और नेपाल के एकदम बीचों बीच बना हुआ है, और इस पूरे रास्ते पर बसे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत और रिमोटली लोकेटेड विलेजेस। इस रास्ते पर आने वाला सबसे पहला विलेज है छित्रे। कुछ 4-5 घर और एक मोनेस्ट्री, बस इतना ही है छित्रे विलेज, जिसमें से घर आते हैं इंडिया की साइड और ये खूबसूरत मोनेस्ट्री नेपाल की साइड। मोनेस्ट्री के पास ही मैंने कुछ प्रेयर फ्लैग्स लगे देखे, और फिर उनके साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा। अभी यहाँ पे मैं चित्री भी साइड देखूं, मेरे सारी तरफ प्रेयर फ्लैग्स हैं। मैं बार बार बहुत सारे प्रेयर फ्लैग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ से बांध के इन्होंने प्रेयर फ्लैग्स इतनी दूर, पता नहीं कितनी फीट दूर है वो वाले पहाड़ पे बांधा हुआ है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स हैं, और मेरे चारों तरफ, मेरे पूरे पीछे और इधर और नीचे, मतलब आधा किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इन्होंने सिर्फ प्रेयर फ्लैग्स से कवर किया हुआ है, जो कि मैंने तो शायद नहीं देखे एक साथ इतने सारे कभी प्रेयर फ्लैग्स। इतनी सुंदर सी आवाज़ आ रही है इनकी जब ये सारे हवा के साथ एकदम लहरा रहे हैं, एक हल्की सी इनकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति है। उस आवाज़ के अलावा यहाँ पे आपको कुछ और नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है ये वाले पॉइंट। छित्रे का शायद ही हाईएस्ट पॉइंट है, और थोड़ा सा ऊपर हाइक करके यहाँ पहुँचाऊँ मैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है, पूरी शांति है यहाँ पे, कुछ और नहीं है सिवाय इन फ्लैग्स के और उनकी आवाज़ के। हवा चलने पे जो आवाज़ आ रही है तो मैं इस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। चित्रे से बस कुछ किलोमीटर बाद ही आता है एक और खूबसूरत विलेज मेघमा। तो भी एक मेघमा नाम के गांव में हूँ मैं, मेघमा नाम का गांव है, और यहाँ पे भी वही सब चल रहा है कि इस साइड नेपाल इस साइड इंडिया, और अभी मैं जिस साइड हूँ वो नेपाल है। और मेघमा इस जगह को इसलिए कहते हैं क्योंकि मेघ मतलब बादल और माँ, मतलब बादलों की माँ है ये क्योंकि वो ऐसे देख लीजिए आप, पे कितना ठंडा है, इसका आइडिया आपको इस चीज़ से हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो पानी एक्स्ट्रा बह के आ गया है वो जमा हुआ है पूरी तरीके से, तो इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अभी मैं अभी वैसे तो वेस्ट बंगाल में हूँ, टेक्निकली अभी नेपाल में हूँ, बट फिर भी वेस्ट बंगाल में भी इतनी ठंड पड़ती है कि ये पूरा लेयर जम चुकी है पानी की। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा रिमोट एरिया में इन लोगों ने इतने सुंदर घर कैसे बनाए मतलब देख रहे हो आप कितने अच्छे कलर्स यूज़ किए हुए हैं, और घर की शेप कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इतने अच्छे से फेंस लगाया हुआ है प्रॉपर, और सब घर के बाहर थोड़े थोड़े से कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, और इनकी जो फेंसिंग भी है ना, जैसे चटाई वगैरह होती है ना हमारे यहाँ, वैसे उस टाइप की फेंसिंग बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब देखो जैसे ये रोड जो जा रहा है, कच्चा रोड है, कुछ भी रोड नहीं है यहाँ पे, कोई सिग्नल नहीं है, कोई अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं, पता नहीं कैसे, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के घरों से खैर उस घर में तो नहीं, पर मुझे यहाँ के एक घर में जाने का मौका मिला। नमस्ते जी, ये घर है आपका, अंदर से देख सकते हैं क्या जी? तो आप इस वाले घर में रहते हैं या फिर दो घर हैं आपके, कुछ पक्का भी घर है कच्चा घर भी है? दोनों घर हमारे।
दो घर है आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, साइड वाला भी है वो वाला? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जिसका, इसका क्या नाम है? इसका नाम ही नहीं क्या नाम नहीं है, नाम है नहीं रखा है। अच्छा, नया नया हुआ है क्या? हाँ, नया है। ये ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे दो तरह के घर रखे हुए हैं। एक जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं पक्का घर, प्रॉपर जो अच्छा खासा बना हुआ है, और एक साइड में है कच्चा घर जहाँ ये लोग अपना खाना वगैरह या फिर किचन वगैरह का सामान रखते हैं और आग वाग जलाते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें करनी हो इस वाले घर में करते हैं, कच्चे वाले घर में। मेघमा के बाद जो विलेज है वो पूरा नेपाल के अंदर आता है। 10,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड ये विलेज है तुमलिंग। यहां पर इतनी ठंड थी कि पेड़ों पर भी कुछ इस तरह बर्फ जम गई थी फ्रॉस्ट की वजह से। जितने भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में गांव है वहां पे आपको ये ऐसे इस तरह के पिलर्स दिख जाएंगे जिन्होंने डिवाइड किया हुआ है, इस तरफ इसके नेपाल है और इस तरफ है इंडिया। जो रोड है वो इंडिया में है और जो उस तरफ है साइड वो नेपाल में है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है भारत और उस तरफ लिखा हुआ है नेपाल, क्योंकि यहाँ पे फेंसलेस है सब कुछ, कोई फेंस नहीं है, फ्रेंडली बॉर्डर है और इसलिए बस एक ही पिलर है। अभी आप पूरे देख सकते हैं चारों तरफ मेरे बादल हो रहे हैं और इसी वजह से संदकफू तक मुझे जाना था, बट वो कह रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इसलिए वहाँ का रोड अभी के लिए बंद कर दिया गया है एंट्री के लिए, और बस जो लोग ऊपर हैं वो बस नीचे आ रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। यहीं पे अभी स्नोफॉल हो रही है तो वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी। खैर इस बार संदकफू तो मैं नहीं जा पाया, पर वहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू दिखता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें कई सारी पीक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर के इन सब विलेजेस में घूमकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नई ही दुनिया मिल गई। मतलब कहां ही आप ऐसा सोचेंगे कि दो देशों के बीच का बॉर्डर ऐसा फ्रेंडली और पीसफुल होगा। मतलब कहने को तो एक नेपाल का पार्ट है और एक इंडिया का पार्ट है, पर देख के आप कुछ खास बता नहीं सकते कि ये नेपाल है या ये इंडिया है या ये नेपाल है। तो मतलब कितना सब कुछ सेम होता है, लोग कितने सेम होते हैं, उनके घर, उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट कितना सेम है कि आप ऐसे सिर्फ देख के बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो फिर भी मतलब ये एक अलग कंट्री में आता है और ये अलग कंट्री में। ये आपका वो विकेट है? हा? विकेट है। ले ला। और अलग अलग देशों में होने के बाद भी इस विलेज के लोगों को यूं मिलकर रहते देखकर मेरे मन से बस एक ही आवाज आई कि काश हर देश की सरहद ऐसी हो पाती।